हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती एमएम न्यूज़ से। एक फिर आज एक केस आया है, बहुत पेचीदा। जिस केस में भारत भूषण कॉलोनी का केस है, तहेज प्रथा को लेके सक्सेना जो हैं सरोजनी जी, ये यहाँ पे आई हैं और इनका कहना कि मेरी बहू मुझे दहेज के नाम पर इतना डरवा चुकी है कि मुझ पर दहेज एक्ट भी लगा दिया है। अब दहेज एक्ट के बाद वो 5 लाख को लेके भी हमसे वसूली करना चाहती हैं। ये लोग इतने डिस्टर्ब हैं कि इनको बीपी शिकायत भी हुई, दिल का दौरा भी पड़ा और एक अटैक भी आ चुका है। जो भारत भूषण कॉलोनी में सरोजनी जी रहती हैं, जो इसमें बहुत मेंटली हैं और इनका लड़का भी इस शादी के दौरान, मैं आपको बता दूं, शादी 1 साल हुई है और 1 साल में इनकी सबकी आप दशा देख लीजिए क्या हो गया। जे इनके हस्बैंड जी हैं सक्सेना जी और जे सरोजनी जी हैं, सरोज सक्सेना जी हैं, जो बेचारी 1 साल में अपने भैया की शादी के करने पर जो खुशी मिलनी चाहिए वो खुशी नहीं, वो दुख में कन्वर्ट हो गया। इन पर दहेज प्रथा भी लगा दिया, अब इनको 5 लाख की डिमांड दे रही है कि इन्होंने 5 लाख हमसे लिया। मैम, क्या है पूरी सच्चाई शादी? अरे, बिना दहेज के ही शादी हुई थी और इनकी मम्मी ने कहा हमारे लिए निभालो, इनके पिता नहीं थे, हम दोनों लोगों ने मिलकर ये शादी की। अच्छा, इनके पिता नहीं थे? हाँ, इनके पिता। ये हर गाँव की लड़की है और इसके माता पिता पिताजी नहीं है, माता है। माता ने इनसे कहा कि कुछ नहीं है और इन्होंने फ्री में शादी की, लेकिन आज इनकी दिक्कत इतनी सामना कर दी कि अब जब बेचारी दर दर की ठोकर खा रही है। बिना दहेज के हमने शादी की, इनके पिता नहीं थे, इनकी माँ ने कहा हमारे लिए निभालो, हमारी अकेली लड़की बहन जी हम कहाँ जाएंगे जी। हमारे लिए अचानक एक जगह मिली थी, हमारी इनकी बातचीत हुई, फिर जब लड़का देखने के लिए घर आई, फिर हम लोग गए देखने के लिए। इसके बाद जो शादी का रिश्ता 4 साल तक चलता रहा, फोन से बातचीत होती रही और इसके बाद में इन्होंने शादी का रिश्ता तय किया। शादी कितने साल? शादी का 1 साल 3 महीने हुए हैं। 1 साल 3 महीने में इन लोगों की जे हालत हो गई, दहेज प्रथा लगा दिया। अब ये थाना और कोतवाली और कोर्ट कचहरी कर रहे हैं क्योंकि उनको बहू की तरफ से कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। हाँ, शादी के बाद जब से आई तो इनका रुख ही अलग था, इनका कहना था हम इस घर में नहीं रहेंगे और तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप हम लगाएंगे। हमारा इच्छा नहीं था लेकिन मेरे घर वालों ने शादी की हमारे यहाँ आके, जिससे हम लोग काफ़ी परेशान हैं और हमारे ऊपर। आपका सुना है कि शादी के बाद आपका लड़का भी डिस्टर्ब हो गया? हाँ, हमारा लड़का भी डिस्टर्ब होगा इन्हीं के चक्कर में और आज आई हैं, इन्होंने मारपीट की, एक को हमारे लड़के को मारा, हमें भी मारा है और इसके बाद थाने में आकर बैठ गई और वहाँ रिपोर्ट लिखवा रही हैं कि हमारे इतना इन्होंने हमसे पैसा लिया है और इन्होंने शादी की, जबकि हमारे ऊपर दहेज एक्ट जैसा हो चुका है, 6-9 महीने हो चुके हैं इस बात के लिए। सारे फार्म वगैरह सब भर गए, पुलिस हमारे घर कई एक चक्कर लगा चुकी, सबके साइन भी करवा के ले गई। इनका अधिकार इतना नहीं बनता था कि हमारे घर आएँ और जब मारपीट करें आके और हमारे लड़के को मारें। आप देख रहे हैं सरोजनी सक्सेना के द्वारा जो उत्पीड़न बहू कर रही है, लेकिन हमारे इतिहास में दहेज प्रथा का नाम को लेके जो इस हिसाब से लोग धमकाते हैं और गलत व्यवहार करते हैं, बताओ, इन पर दहेज प्रथा भी लगा दिया, अब इन पर डिमांड की जा रही है 5 लाख की, अब ये कहाँ से लाएंगे? और ये इनके हस्बैंड हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बहू का आचरण और कैसा व्यवहार रहा है। उन्होंने सब गलत ही काम लगाया कि मारा पीटा ये सब दुनिया भर का, और बहू को एक बार रोकते रहे हम कि मत जाओ, इस समय सास नहीं है तुम्हारी, तो जब आ जाए तब आना, लेकिन ये नहीं रुकी, ये मायके चली गई। अच्छा, कैसा व्यवहार था घर में बहू? कोई ठीक नहीं व्यवहार था, रोटी वोटी नहीं बनाती थी और कमरे में ही लेटी बैठी रहती थी। अच्छा व्यवहार नहीं था। अच्छा, गाली गलौज आपको भी देती थी क्या? नहीं, गाली गलौज तो कम देती थी, हम बाहर ही रहते थे, हमको नहीं सुनाई। अच्छा, आप किस जॉब पे हैं? हाँ, हम ऑटो रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, हाँ, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उसी से जीवन पालन होता है हमारा। तो बहू का आचरण न कारण ये सब हुआ? आचरण ठीक नहीं है उनका। कहाँ से आपने शादी की थी? हर गांव के पास में राही गांव है। दहेज में कुछ लिया था? कुछ नहीं मांगा गया और उनकी मोटरसाइकिल उनने अपने आप स्वयं दी थी, तो उन्हीं के घर में है, हम लोग लाए नहीं उसको। बताया जा रहा है कि हर गांव से सक्सेना जी ने शादी की थी, जो लड़के को मोटरसाइकिल मिली थी वो आज वो हर गांव में है और दहेज में कुछ नहीं लाई थी, ये इसका पिता नहीं था, गरीबी हालत में आंटी जी ने उससे अपने लड़के से शादी करवाई और शादी के दौरान उनको अब इतनी दिक्कत हो गई कि पूरा घर छिद्र विद्र हो गया है। यहाँ माता जी, इनके हस्बैंड जी और इनका लड़का भी डिस्टर्ब हो गया है इस दहेज प्रथा के अंतर्गत। दहेज प्रथा अच्छी चीज़ है लेकिन जहाँ पे लागू करनी चाहिए उसकी पूरी छानबीन करनी चाहिए, तब होना। आज एक घर और टूट रहा, घर एक नहीं टूट रहे, घर टूट रहे हैं दो, लड़की का भी टूट रहा है।